मेरे चैनल पे आपने कुकिंग, होम डेकोरेशन, बांदरवाल इस तरह के वीडियो देखे, पर आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ हेयर कट का वीडियो, जो कि मैंने घर पे किया बहुत आसानी से। और जिस तरह से मैंने आपको बताऊंगी, आप भी उस तरह से करोगे तो बिल्कुल आसानी से कर लोगे और बहुत अच्छा स्टेप आने वाला है। कुछ नई सीजर्स भी हैं, उसका भी मैंने वीडियो में बताया है। मुझे सस्ती मिल गई थी आसानी से और उससे भी थोड़ा सा स्टेप कट अच्छा आया है। चलो देखते हैं किस तरह से मैंने हेयर कट किया। हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप? मैं भी अच्छी हूँ, आप भी अच्छे होंगे। बहुत दिनों बाद मैं इस तरह से वीडियो बना रही हूँ, वरना बस रेसिपी बनाई और वीडियो को अपलोड कर दिया। इस तरह से रूबरू बहुत दिनों बाद हो रही, क्योंकि घर में बहुत काम था। रीजन ये था कि हमारे घर में न्यू बेबी आया है और घर में पक्की भी शादी की सालगिरह थी और नई दुल्हन भी आई है। तीनों काम एक साथ हो गए। मतलब 6 फरवरी से लेके 17 फरवरी तक बिजी शेड्यूल था और अब तक चल रहा है। मतलब 8 तारीख है 24 फरवरी आज तक भी बिजी शेड्यूल है, पर फिर भी सोचा कि चलो आके जाना ही है। मैंने वॉश किए थे तो सोचा कि हेयर कट भी कर लेती हूँ, तो आपसे वीडियो शेयर कर लेती हूँ। और ये पहली बार कर रही हूँ इस तरह से हेयर कट, अच्छा ही होगा। मेरा कोर्स भी किया हुआ तो थोड़ा कॉन्फिडेंट हूँ कि मैं अच्छा हेयर कट दे दूँगी। और मैंने ये देखिए, ये पूरा पैकेज खरीदा था इसका, सीजर का। मेरे पास पहले भी है सीजर, पर ये मुझे बहुत सस्ती मिली। जो मैंने पहले खरीदी थी वो एक ही खरीदी थी, वही 350 की थी। पर अब मैंने जो पूरा खरीदा है ना इस तरह का पैकेज, चार दो सीजर और दो कॉम का, तो ये पूरा मुझे 350 में मिला। बहुत ही सस्ता मिल गया एक तरह से, तो मैंने इसे खरीद लिया। मैंने बाकी मेरे पास इस तरह की हेयर कट की सीजर है तो मैं इसका भी यूज़ कर लेती हूँ और एक वीडियो भी बन जाएगा और हेयर कट भी अच्छा हो जाएगा। चलो देखते हैं कैसे। अगर आपको कोई चीज़ चाहिए और सस्ती मिले और आसानी से मिले तो तुरंत खरीद लेना चाहिए। मुझे टिकटिक वाली कैंची चाहिए थी तो मैंने इसे आसानी से मिल गई मिनीसो में और बहुत रिजनेबल रेट में, तो मैंने इसे परचेस कर ही ली। और इसके साथ एक सीजर और है, दो कॉम और हैं, तो बहुत बेनिफिट वाला मुझे सौदा मिल गया इसका। मतलब एक बहुत बड़ा फ़ायदा हो गया एक तरह से देखा जाए तो। और इससे जो बाउंस आएगा हेयर कट में बहुत अच्छा आएगा। और सबसे पहले हम बालों को आगे की तरफ इस तरह से बांध लेंगे। बाल गीले अच्छे हों तो ज़्यादा अच्छा, ताकि बाल आपस में बंधे हुए रहेंगे और कट भी बहुत अच्छे से होगा। बालों को मत इस तरह से आगे ले लेंगे और फिर सबको बिल्कुल इस तरह से बराबर लेते हुए इसे काटेंगे। पहले आप थोड़ा ही काटिए, उसके बाद अपने बालों को खोल के देखिए कि आपको हेयर कट सही लग रहा है कि नहीं लग रहा है, फिर आप दोबारा काटिए। इससे स्टेप बहुत अच्छे आ जाएंगे और बहुत आसानी से आ जाएंगे। पहले हम थोड़ा काटेंगे और फिर हमें और लगेगा तो हम इसे और काट लेंगे। फिर मेरे को यही लेंथ चाहिए थी। हाँ, ये देखिए इस तरह से मैंने और अच्छे से इसको कट दे दिया है, बिल्कुल बराबर। और अब जो मेरी सीजर है इससे मैं झिकझिक दे रही हूँ, जो कि ये नॉर्मल सीजर थी उससे। और ये अब झिकझिक वाली से मैं इसको एक एक करके बाउंस दे रही हूँ इस तरह से काटने से। अगर आपको झिकझिक वाली कैंची नहीं हो तो इस तरह से लंबे कैंची को लेके काट लीजिए इस तरह से। ये तो मैंने वापस से झिकझिक वाली ले ली है और ये बालों को मैंने खोल लिया है और ये बहुत अच्छा हेयर कट आ गया है। तो मुझे आगे से भी लेयर चाहिए था तो मैं अब बीच की मांग निकाल रही हूँ और इस तरह से ईयर टू ईयर बालों को निकाल लेंगे। थोड़ा सा तिरछा लेना है ये इस तरह से, बाकी के बालों को थोड़ा छोटा करना है। पीछे से थोड़ा सा इस तरह से तिरछे लेते हुए हमें काट लेना है, बस इस तरह से। और थोड़ा थोड़ा ही ले रही हूँ और आप देख रहे हैं बहुत अच्छा लेयर आ जाएगा इससे। अगर इसमें बाउंस चाहिए तो आप कैंची को लंबा करके काटिए या फिर झिकझिक वाली कैंची से इसको इस तरह से कर दीजिए, इससे बाउंस बहुत अच्छा आ जाएगा। अगर आपके पास झिकझिक वाली कैंची नहीं तो कैंची को लंबा करके आगे की तरफ से इसको बिल्कुल इस तरह से काटना है, मैंने जो पहले वीडियो में आपको दिखा चुकी हूँ। अब इस तरफ से भी हम लेयर लेंगे, थोड़ा तिरछा लेंगे बालों को इस तरह से। ये जो लंबे वाले हैं इनको थोड़ा छोटा करते हुए आगे की तरफ से और छोटा कर देंगे, ये देखिए इस तरह से। और बहुत अच्छा लेयर आ जाएगा इससे। और हमको बाउंस चाहिए बालों में तो वही झिकझिक वाली कैंची को लेंगे और फिर इसमें रह गया कट झिकझिक वाली कैंची भी और इसको निकलता था हमने इस तरह से बाउंस दे दिया। और आप देखना बहुत अच्छा लेयर आ गया, ये देखिए। और दोनों बिल्कुल बराबर कटे हुए। अब मुझे थोड़ा सा आगे से ही फ्लेक्स चाहिए थी तो मैं आगे की फ्लेक्स को भी होम से ले रही हूँ। और ये टेलकॉम यूज़ करेंगे तो इससे आपके जो बाल है बहुत आसानी से मांग निकल जाएगी और बहुत अच्छा सा कट आ जाएगा। तो मतलब से मैंने बालों को ले लिया और बस पीछे के बालों को हमको बांध लेना, ताकि ये आगे जो हम हेयर कट करेंगे उसमें हमें परेशानी ना हो। और बिल्कुल पहले मैंने थोड़ा लंबा काटेंगे हम,
ताकि देखें कि फेस पे क्या जम रहा है क्या नहीं। वरना अगर कट गए एक बार तो फिर दोबारा तो बड़े होने में काफ़ी टाइम लगेगा। अगर आपको जितने लंबे चाहिए उतना ही आगे की लेयर रखिए। मुझे थोड़े छोटे चाहिए तो पहले मैंने उसको थोड़ा लंबा ही काटा है ताकि देखना था कि लुक कैसा आ रहा है कैसे नहीं आ रहा है। ये देखिए ये मैंने इतना लंबा लिया है क्योंकि आंखों पे अगर बाल किसको पसंद नहीं आए तो वो इतना लंबा ही ले, 3 तक ले ले ताकि बाल कानों के पीछे से भी आसानी से आ जाइए। इतने ही मैंने काटे तो मुझे लगा कि थोड़ा सा और छोटा कर लेते हैं बालों को, तो थोड़ा सा इसे आप इस तरह से भी रख सकते हैं, इतने अब अच्छा लुक आ जाएगा। पर मुझे थोड़ा सा छोटा चाहिए तो मैंने इसको 9 तक ले लिया है। फिर ये इस तरह से काट दिया है और फिर बाद में मैंने थोड़ा सा तिरछा भी काट दिया है दोनों तरफ से लेके। और अब हम बालों को ये देखिए कितना अच्छा हेयर कट आया है। थोड़ा सा साइड में से हमने लेके इसको थोड़ा तिरछा भी कर दिया ताकि बालों में लेयर सी आ जाए। आगे के बाल जो हमने काटे उस जो फ्लेक्स हमने काटे थोड़ी सी लेयर सी आ जाए उसमें भी। अब मैं बालों को ब्लो ड्रायर कर रही हूँ, ये देखिए इस तरह से। और ब्लो ड्रायर आपके पास नहीं है तो बालों को इस तरह से बांध लीजिए और थोड़ी देर रख दीजिए और देखिए कितना सुंदर लग रहा है हेयर कट। और स्टेप भी बहुत अच्छे हैं और पैसों की बचत भी हो गई और एक बहुत अच्छा वीडियो भी बन के तैयार हो गया। नहीं नहीं करते मैंने 500 रुपये की बचत घर में कर ली है और मेरे हस्बैंड इसलिए खुश हो रहे हैं क्योंकि इनके पैसों की बचत हो गई, इनकी जेब कटने से बच गई क्योंकि घर में आसानी से मैंने बहुत सुंदर हेयर कट कर लिया। कह रहे बहुत अच्छा लग रहा है तो ये हेयर कट। इस तरह से आप भी अपने घर में बचत करके घर वालों को खुश कर सकते हैं। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।